भले ही धान को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत जमकर होती आई हो, लेकिन किसानों के पक्ष में सरकार हमेशा से फैसले लेती रही। इसी कड़ी में अब प्रदेश सरकार किसानों से इस बार 110 लाख मीट्रिक टन धान एमएसपी पर खरीदेगी। ये राज्य में एमएसपी पर धान खरीदी का अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य है। धान खरीदी के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में फैसला लिया गया। पिछले सीजन में 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा, कांग्रेस सरकार बनने के बाद लगातार धान खरीदी का लक्ष्य हम बढ़ाते जा रहे हैं। आगामी खरीफ वर्ष में जो हमारा तैयारी रहेगा वो 110 लाख मीट्रिक टन के लिए रहेगा। इसके लिए लगभग 5.5 लाख गठान बारदाने की आवश्यकता पड़ेगी, उसी अनुरूप बाकी और संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें चर्चा करके और तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। सरकार के ऐलान के साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा, सरकार लक्ष्य तो बढ़ा रही है लेकिन धान खरीदी में हाफ जाती है। लगातार किसानों को मिलने वाली राशि में कटौती की जा रही है। पिछले बार जो धान खरीदी हुई है उसमें चौथे किस्त में लगभग 30-35% की जो कटौती की गई है वो भी किसानों के साथ में अन्याय है। और ये बड़ी बड़ी बातें न करें, हजारों करोड़ रुपए का धान नुकसान हुआ है जिसके आज तक हिसाब पिछले बार जब विधानसभा में उठा है, अमरजीत बोले कि मंत्री जी ने कि अभी उसका हिसाब नहीं आया है। धान खरीदी को लेकर हमेशा से छत्तीसगढ़ में सियासत देखने को मिली है। एक ओर सरकार लगातार धान खरीदी का लक्ष्य बढ़ा रही है तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। बीजेपी का कहना है कि सरकार धान तो खरीद लेती है और हजारों करोड़ों का धान खुले में सड़ने के लिए छोड़ देती है। अब देखना होगा धान खरीदी के पहले शुरू हुई सियासत कहां पर जाकर थमती है। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में धान और किसान का मुद्दा ऐसा मुद्दा है जो हर चुनाव में काम करता है। 2018 में अगर भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल का बोनस और जो 2500 रुपए कांग्रेस ने देने का वादा किया था वो वादा अगर कर दिया होता तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार नहीं जाती, ऐसा जानकार कहते हैं। इस बारे में कोई दो राय नहीं कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और छत्तीसगढ़ के हर घर में एक किसान होता है। तो ये सरकार बहुत बेहतर तरीके से जानती है कि धान का मुद्दा छत्तीसगढ़ के लिए कितना बड़ा मुद्दा है। 110 लाख मीट्रिक टन अगर धान खरीदने की बात ये सरकार कर रही है, मतलब बेहद साफ है कि फिर से फोकस धान और किसान ही सरकार का रहने वाला है। हालांकि पिछली बार 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की बात हुई थी लेकिन केवल 97 लाख मीट्रिक टन धान ही केवल सरकार खरीद पाई थी। उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, बारदाने की कमी थी, धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्थाएं थी, बहुत से ऐसे कारण थे जिनको लेकर सरकार को इस बार बहुत बेहतर व्यवस्था रखनी पड़ेगी। क्योंकि टारगेट बनाना आसान है लेकिन टारगेट अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि किसान का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा है। पिछली बार जो अव्यवस्थाएं हुई थी लगातार उसको लेकर प्रदर्शन भी मंडियों में भारतीय जनता पार्टी ने किया था और इस बार भी पैनी नजर भारतीय जनता पार्टी की धान खरीदी केंद्रों में जरूर रहेगी। तो आज का मुद्दा हमारा यही है, धान पर फिर घमासान। बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, रामोतार तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। मेरे साथ मौजूद हैं केदारनाथ गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। मेरे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र शर्मा जी, अध्यक्ष हैं कृषक कल्याण बोर्ड के, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। सबसे पहले रामोतार तिवारी जी के पास ही चलता हूं। रामोतार जी, 110 लाख मीट्रिक टन छोटा मोटा ये आंकड़ा नहीं है। पिछली बार भी 105 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का दावा हुआ था लेकिन 97 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान सरकार खरीद नहीं पाई थी। एमएसपी बढ़ रही है, इस बार भी 100 रुपए की वृद्धि हुई है। ये चीजें जो आप देख रहे हैं किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा है, 9000 भी कर दिया, 10000 से छोड़कर अब 9000 प्रति एकड़ आपको जो है वो उसमें सरकार देने जा रही है, लेकिन क्या स्थिति क्या देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में, क्या 110 लाख मीट्रिक टन धान छत्तीसगढ़ सरकार खरीद पाएगी? आदित्य जी, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है इसलिए यह निर्णय जो है छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक अच्छा निर्णय है, खुशहाल भरा निर्णय है। इस निर्णय से एक तरफ जो है सरकार के सामने चुनौती है कि वो किस तरह धान खरीदी करेगी, क्योंकि धान खरीदी समय पहला विवाद ये आता है कि बोरा नहीं मिलता, दूसरा जो सहकारी सोसाइटियों को अभी तक जो खरीदी कर रहे हैं उनका डिफरेंस का पैसा नहीं मिला था, दो बात, तीसरा
खुले में धान रखने के कारण नुकसान होता है, तीसरी बात। चौथी बात जो है कि जिस तरह से परिवहन की व्यवस्था की गई है वो एक व्यवस्था हो गई धान मिलिंग की। चौथी बात जो है कि केंद्र और राज्य सरकार इसमें समन्वय रहे, एक बड़ी जिम्मेदारी है। पिछले वर्ष जो है केंद्र सरकार ने भी मदद की, तो केंद्र और राज्य के समन्वय के कारण पिछले बार धान की खरीदी अच्छी हुई, लोगों को पैसा मिल पा रहा है, अभी तक किस्त आया है। दूसरी तरफ कस्टम मिलिंग होने के बाद घाटा कम हुआ है सरकार का पिछले साल, एक बड़ी उपलब्धि सरकार की है, क्योंकि सरकार ने राइस मिलरों के को जो धान का उठाना था उसके रेट की वृद्धि की, इसके कारण लगभग धान का चावल का उठाव हुआ। चावल का उठाव कारण एफसीआई ने भी लिया, एफसीआई की भी मदद मिली, राइस मिलरों को भी मदद मिली और किसानों को धान समय पर बिक गए। कहीं कहीं पर विवाद की स्थिति थी, तो धीरे धीरे ये व्यवस्था सुदृढ़ होते जा रही है। अब अगले साल जो है, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है, लक्ष्य ज़्यादा है, केंद्र सरकार ने अपने एमएसपी की वृद्धि कर दी है, ऐसे में किसानों को फिर से एक बार ज़्यादा मूल्य मिल पाएगा। तो ये एक बड़ा त्यौहार होता है छत्तीसगढ़ के लिए, सबसे बड़ा त्यौहार और सबसे बड़ा बजट जाता है, सरकार का सबसे बड़ा बजट धान खरीदी में जाता है और सरकार के सामने आर्थिक चुनौतियां भी रहती है। उन आर्थिक चुनौती को सरकार बखूबी इसको पूरा करने का प्रयास करती है, तो इस बार भी धान खरीदी के समय आर्थिक संकट जो आएगी उससे उबरने की दिशा में भी काम करना पड़ेगा। शर्मा जी, पिछली बार बारदाने की कमी काफी हुई थी, काफी अव्यवस्थाएं भी धान खरीदी केंद्रों में देखने को मिली थी। आप भी किसान रहे, बहुत बेखूबी जानते हैं कि ये किसान के लिए कितना बड़ा समय रहता है, क्योंकि साल भर की मेहनत उसकी रहती है, धान वो बेचता है और 110 लाख मीट्रिक टन का जो आपने लक्ष्य रखा है, लक्ष्य काफ़ी बड़ा है। पिछली बार 105 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य था, जो 97 लाख ही हो पाया था पूरा, बाकी जो है धान के जो पंजीकृत किसान थे उन्होंने भी 21 लाख लेकर नहीं बेचा, 25 लाख से ज़्यादा लोगों ने पंजीकृत कराया था। कहाँ दिक्कतें आपको लग रही हैं और जो इस बार जो इन दिक्कतों को किस तरह से आप पूरी कर पाएंगे? आदित्य, दरअसल में 1,10,000 मीट्रिक टन है, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। हमारी तैयारी 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की तैयारी हमारे पास रहनी चाहिए, वो व्यवस्था हमारे पास रहनी चाहिए। आपने देखा होगा पिछले बरस बारदाने की समस्या होने के बावजूद छत्तीसगढ़ के किसानों ने बहुत मदद की, अपने बारदाने ला करके अपने धान बेचे, और जहां 2018 में हमने 83 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की थी, वो फिर 85 लाख हुआ, फिर 91-92 लाख हुआ, फिर 98 लाख मीट्रिक टन तक धान की खरीदी हम कर चुके हैं। इस साल मुझको बड़ा सुखद लगता है ये देखने में के तमाम जो संग्रह केंद्र हैं वहां पर से धान उठ चुका है और उसकी लगभग मिलिंग हो चुकी है और एफसीआई में चावल पहुंच चुका है। तो मैं कह रहा हूं कि जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है, छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी सजगता पूर्वक उसके में आने वाली दिक्कतों को लगातार दूर कर रही है। दूर करते हुए इस बात का हम लोग निरंतर प्रयत्नशील हैं कि धान खरीदी में किसी तरह की कोई अव्यवस्था की स्थिति निर्मित न हो। तो ये 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का जो लक्ष्य है ये बहुत बड़ा नहीं है। जहां 2018 में 15-16 लाख किसान पंजीकृत थे, आज की तारीख में 24 लाख से अधिक किसान पंजीकृत हैं और इस साल हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जो पंजीकरण प्रक्रिया जब शुरू होगी तो और अधिक किसान इसमें और फिर से सम्मिलित होंगे। और इस तरह से देखा जाए तो माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ में लगातार किसानों की संख्या में वृद्धि हो रही है, खेती के रकबे में वृद्धि हो रही है, उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है और ये निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये किसानों का प्रदेश है। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयत्नशील है और किसान समृद्ध होते हैं तो यहाँ का व्यापार भी समृद्ध होता है
और छत्तीसगढ़ की समृद्धि के पीछे मूल कारण जो है वो किसान ही है। सुरेंद्र जी मेरा एक सवाल था, सुरेंद्र जी 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की बात आप कर रहे हैं, दावा आप कर रहे हैं, इसके लिए लगभग 5.5 लाख गठान बारदाने की जरूरत पड़ेगी। पिछली बार सबसे बड़ा अगर कोई कारण था धान खरीदी पूरी तरह से नहीं होने का, उसका बड़ा कारण था बारदाने की कमी। इस बार तो जूट कमिश्नर को पैसे ऐसे दे दिए ना, भारतीय जनता पार्टी हर समय आरोप लगाती कि आप लोगों ने ऑर्डर ही नहीं दिया है, पैसे ही नहीं दिए, तो बारदाने आएंगे कहां से? तैयारी शुरू हो गई ना इस बार? पैसे की समस्या पिछले दफा भी नहीं थी, आ जाती थी। दरअसल में भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे, कोरोना काल होने के कारण बारदाना का उतना उत्पादन नहीं था जिस तादाद में पूरे देश में मांग थी। सरकार ने ये तो कहने की बात है, जब सरकारें चलती हैं तो किस आदेश से बारदाना मिलता है, कैसे उसका पैसा जमा किया जाता है, ये कोई ऐसा बच्चों का खेल थोड़ी है कि बिना पैसे के कोई सौदा बाजार में बिना पैसा लेके चल देगा। विधिवत ढंग से बारदाने की मांग की जाती है, विधिवत ढंग से उसका पैसा जमा किया जाता है, जब पैसे जमा करने का समय आता है तो जमा कर दिया जाता है। दरअसल में कोरोना काल के कारण बारदाना का उत्पादन उतना नहीं हुआ था, जूट कमिश्नर ने उतने बारदाना की आपूर्ति करने में मनाही कर दी थी, मगर अभी परिस्थितियां ठीक हैं। कोरोना पर लगभग देश जो है नियंत्रण पा चुका है और ज्यादातर कल कारखाने जूट मिल जो है अपने काम कर रहे हैं, तो हमको उम्मीद है इस साल बारदाने की। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास। केदारनाथ गुप्ता जी मेरे साथ जुड़े हैं। केदारनाथ जी, पिछली बार भी जो लक्ष्य था वो लक्ष्य पूरा हुआ नहीं, इस बार भी 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य कांग्रेस सरकार ने रखा है। पिछली बार हमने देखा मंडियों में अव्यवस्था, पिछली बार हमने देखा बारदाने को लेकर जो अव्यवस्था हुई, धान बेचने में किसानों को काफी दिक्कतें हुई। इस बार कहीं ना कहीं विपक्ष के नाते वो भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती कि किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़े रहे, क्योंकि वही भारतीय जनता पार्टी जो जानती 2018 में किसानों के मुद्दे पर ही ये सरकार आई है और किसानों के मुद्दे पर ही आपकी सरकार चले गई थी। क्या तैयारियां इस बार आप लोग भी रखेंगे, क्योंकि 110 लाख मीट्रिक टन कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है जो कांग्रेस दावा कर रही कि इतना धान हम किसानों से खरीदेंगे। केदारनाथ जी देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने छत्तीसगढ़ से रिकॉर्ड तोड़ धान की खरीदी इस वर्ष की 91 लाख टन। ये अपना आंकड़े को पहुंच नहीं पाया 105 लाख टन, ये 97 लाख टन में रुक गए। 8 हजार टन किसानों का धान कम खरीदा, परंतु वाह रे केंद्र की भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार, जिसने छत्तीसगढ़ में जो पहले तो मात्र 42 लाख टन धान लिया करती थी, पर इस बार 91 लाख टन धान दिया। और दुखद पहलू इसका आदित्य जी ये है कि आज भी 91 लाख टन लेने के बावजूद ये लोगों का धान आज 6-7 लाख टन जो इनको रखना था वो भी धान सड़ रहा है, ये बारिश में भीग रहा है, पूरा सीजन चला गया, नया सीजन आ गया, नई खरीदी की बात हो रही है, पर ये छत्तीसगढ़ महतारी का जो पैसा है ना वो वहां पर धान के रूप में सड़ रहा है। और ये सरकार लापरवाह इतनी है कि किसी अधिकारी का भी ध्यान नहीं जाता। क्यों? क्योंकि सारा लेन देन में मामला सेट है। और दूसरी बात, परिवहन की बात राम अवतार जी कर रहे थे कि अच्छा होता है, आप देखें तो धमतरी का जो है वो मिलिंग के लिए भेजा जाता है कहां, जशपुर। अरे ये क्या व्यवस्था है, ये कितने बड़े घोर कमीशन की बात है। मैं आपके चैनल में जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर ये धान के परिवहन का रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार सामने आएगा, ये कमीशनखोरी की हद है। और आज बात हो रही थी बारदाने की, जब भी धान खरीदी की बात आती है तो बारदाने का मुंह लेके बैठ जाते हैं। आज विद्वान प्रवक्ता हैं और कृषक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, मैं नमस्कार करता हूं सुरेंद्र भैया को। आज कह रहे हैं वो कि कोरोना के कारण बारदाना, अरे 2 साल पहले क्या बारदाने पूरे थे क्या? जब कोरोना नहीं था तो पूरा बारदाना था क्या? तब भी तो किसानों को कहा था कि घर से लेकर आओ। अरे भाई समय से पैसा दे दो, आज 4 महीना है, आज का दिन याद रखना महाराज। आप कृषक कल्याण बोर्ड में हो, हम सब आग्रह कर रहे हैं, आदित्य जी भी, राम अवतार जी भी और मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं, हम सब किसान भाइयों के साथ खड़े हैं छत्तीसगढ़ के, आपकी सरकार को बारदाने का इंतजाम आज करना चाहिए। और आज एक बात कहनी चाहिए कि हमने किसान भाइयों के लिए बारदाने का पैसा दे दिया और बारदाना जल्दी आएगा। खाद की बात मैं करूं, क्या क्या बात करें, आज डीएपी का 2000 रुपए ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। कहते हैं कि केंद्र सरकार खाद नहीं दे रही है तो व्यापारी क्या अपने घर में बना रहा है? ये केंद्र सरकार खाद दे रही है और व्यापारियों को ब्लैक मार्केटिंग के लिए उपलब्ध हो रहा है, सोसाइटियों में नहीं जा रहा है। आखिर व्यापारी के पास खाद आ कहां से रहा है?
मेरा यह ज्वलंत प्रश्न है, इसका जवाब मैं कांग्रेस पार्टी से चाहता हूं कि ये डीएपी की खाद और यूरिया बाजार में उपलब्ध होता है वो कहां से आता है? आखिर उसको स्टेट गवर्नमेंट ही तो डिस्ट्रीब्यूट करती है, सोसाइटी में क्यों नहीं जाता महाराज? जी काफी सारे सवाल दाग रहे हैं केदारनाथ गुप्ता जी, सिलसिलेवार तरीके से आप जवाब दे दीजिए। तो खाद का संकट निश्चित तौर पर बड़ा संकट है, और बारदाने का जो अभी तक अमाउंट आपने दिया है कि नहीं दिया वो भी केदारनाथ गुप्ता जी को बता दीजिए। बारदाने के अमाउंट का जहां तक प्रश्न है तो मैं तो बड़ा हास्यास्पद प्रश्न मानता हूं इस बात को। केंद्र राज्य सरकार के बीच में मैं तो कह रहा हूं ना, जो नियम है उसके अनुरूप ही बारदाने का आदेश दिया जाता है और उसी नियम के तहत बारदाने की आपूर्ति की जाती है। जिन नियमों के तहत बारदाने की आपूर्ति की जाती है उन नियमों का पालन किया जाता रहा है और किया जाता रहेगा, नंबर एक। नंबर दो, खाद के संबंध में हमारे केदार भाई बड़े चिंतित हैं, बहुत परेशानी की बात है। अच्छा होता प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखते, हमने जितनी खाद मांगी है उसका 70% खाद मिला है हमको, और उस खाद को हमने जिस हिसाब से जिन अनुपात में कुछ सोसाइटियों को दिया जाता है, कुछ दुकानों को दिया जाता है, और दुकानों में अगर कहीं कहीं किस किसी की दुकानों में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, हमेशा जिन चीजों की कमी होती है उसकी ब्लैक मार्केटिंग करने का व्यापारी के कुछ वर्ग के लोग प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। तो दरअसल में बात यह है कि कुछ लोग, सभी लोग तो सोसाइटी के मेंबर नहीं है किसान लोग, कुछ लोग राष्ट्रीयकृत बैंकों से खाद की खरीदी करते हैं, कुछ लोग नगद पैसे से खरीदी करते हैं, और जिन चीजों की डीएपी की दिक्कत है थोड़ी सी, यूरिया और सुपर फास्फेट पोटास की कोई दिक्कत नहीं है, डीएपी की सप्लाई में केंद्र की सरकार ने आनाकानी किया है, हमारे पास उपलब्ध नहीं है फिलहाल। तो ऐसी स्थिति में कुछ लोग कब तक करोगे आप सत्ता में, विधायक हो नब्बे में से, केंद्र की जिम्मेदारी चिंतन मनन करो। अरे भैया केंद्र अपनी जिम्मेदारी से मुक्त कैसे हो सकता है? ये जो जो केंद्र बता दे, जो 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 जिम्मेदारी भंडारण कर लो। नहीं नहीं, जो जिम्मेदारी, अरे पहले से ही, अरे पहले स्टॉक, अरे पहले, अरे भैया क्यों पहुंच जाता है? अरे अरे उसका नियम है, अरे जिस महीने में जितना मंगाया जाता है उतना मंगाया गया है, और जितनी आपूर्ति होनी चाहिए गरीब किसान को खाद दे दो, गरीब किसान को खाद दे दो महाराज, गरीब किसान परेशान हो रहा है। मैं अभी बालोद गया था, बालोद के गांव में 3 दिन तक किसान घूम रहा था, 3 घंटा लोग लाइन में खड़ा रहा, और फिर उसकी मृत्यु हो गई। पार्टी लगातार प्रयत्न कर रही है, और आप जो है मगर कौन जवाब देगा इसका? किसान का दिल पसीजने वाला नहीं है, मगर मच का सवाल नहीं है महाराज, मगरमच्छ का सवाल नहीं है। छत्तीसगढ़ का किसान त्राहीमाम है, कभी बारदाने को लेकर, कभी डीएपी को लेकर, कभी बिजली को लेकर। मैं एक विषय और कहना चाहूंगा, देखिए बहुत स्पष्ट है, काम कर रही है, बहुत स्पष्ट है, किसानों के लिए ये सरकार भ्रष्ट है। नेताओं को डीएपी कहां चलेगा? डीएपी कौन खा गया? डीएपी कहां, क्यों ब्लैक मार्केटिंग? आप स्वीकार करते हैं कि ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है? व्यापारी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, कार्रवाई हुई है ना उसको सही रूप से किसानों को क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है? क्यों नहीं किसानों को पहुंचाया जा रहा है? वहां पर खड़े होकर किसानों को बुलाकर खाद को उनके रूट पे उपलब्ध कराई गई है। अरे आपके पास केदारनाथ जी, आपके पास भी मैं आता हूँ, मेरे साथ रामतार जी भी जुड़े हुए हैं। रामतार जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि खाद की दिक्कतें तो हो रही है, खाद की किल्लत पूरे प्रदेश में, और पिछली बार भी हमने देखा था बारदाने की दिक्कतें हुई, वहां पर धान बेचने में दिक्कत हुई, किसानों को घर से लाने बोला गया बारदाना, अल्टीमेटली किसान उस संख्या में धान अपना नहीं बेच पाए, कहीं ना कहीं बिचौलियों को धान बेचना पड़ा। इस बार खाद को लेकर एक बड़ी समस्या है, जो अलग अलग जिलों से रोज खबरें आती हैं, इन खबरों की अगर सच्चाई की हम बात करें तो देखिए आम आदमी किसान है वो निश्चित तौर पर ये बोल रहा है खाद में इस बार दिक्कतें, इन दिक्कतों को दूर करने का क्या आप देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दिक्कतें तो बढ़ती जा रही हैं। देखिए खाद जो है वो केंद्र सरकार तय करती है, केंद्र सरकार कोटा तय करती है, वो फिर राज्यों को मिलता है, और खाद की समस्या कई दशकों से चल रही है, कोई आज की समस्या नहीं है, ये कम है कभी ज्यादा है, ये चलते रहता है। किसान को इसके दूसरे विकल्प की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अब जो खेती के और भी तरीके, बहुत आधुनिक तरीके और बहुत सारे चीज़ें आ गई है, तो जो मिट्टी जो है, मिट्टी सुरक्षित रहे, मिट्टी उपजाऊ रहे, इसके लिए अन्य खाद्य संस्करणों की तरफ अगर किसान जाएंगे तो ये बेहतर विकल्प होगा और अच्छा उत्पादन होगा, और बाजार में अब ऐसे अनाजों की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। मैं एक दूसरी बात और बताना चाहता हूँ, देखिए
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी अब ऐसा लगता है कि कोई भी सरकार रहे बद नहीं होगी, तब धान खरीदी का एक स्थायी हल जो है कि धान समितियों में कैसी व्यवस्था हो, धान की बारदाना की कैसी व्यवस्था हो, पैसे का सिस्टम कैसे हो और सोसाइटियां कैसे काम करें, इसके लिए सरकारों को, दोनों सरकार को मिलकर इस दिशा में कोशिश करनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप राजनीति की अपेक्षा केंद्र सरकार से समन्वय, राज्य सरकार को बेहतर प्लानिंग, और इसमें किस तरह से जैसा धान सड़ रहे हैं अभी भी, अभी धान को लेकर कई लूक हैं, लूक उनको ठीक करने की जरूरत है। देखिए बहुत स्पष्ट है, केंद्र सरकार को तो इनको कोटिश धन्यवाद देना चाहिए, 6,79,000 टन खाद नरेंद्र मोदी जी ने भेज दिया। अब ये भेज दिया, अब ये कर क्या रहा है, इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है। अरे कोरोना का टीका भेजा था आपको याद है, ये कहते थे प्रदेश लगाएगा प्रदेश लगाएगा, चार खाने में चार कमरे में कोरोना का टीका बंद हो गया था, एक कमरे का खत्म हो जाता था, तीन कमरे का सड़ जाता था। ये तो टीका ठीक से नहीं लगवा पा, ये केंद्र को बैठे बैठे खाली ठीकरा फोड़ने के अलावा कुछ नहीं करते। 6,79,000 टन का हिसाब दे दे खाद का। दूसरी बात मैं कहता हूं, ये ऑर्गेनिक खाद, अरे 2-2.5 रुपए किलो में गोबर खरीद रहे हो वही किसान से, और 10 रुपए में उसको ऑर्गेनिक खाद दे रहे हो जिसमें मट्टी मिली हुई है, जिसमें कंकड़ मिला है, जिसमें पत्थर मिला है, और कंपलसरी कर दिया सोसाइटी ने इसको लेना पड़ेगा। क्या ज्यादती है, ये कौन सा है, किसने हुकुम दिया किसान भाइयों को मट्टी और मट्टी खरीदने का 10 रुपए किलो में, 2.5 रुपए का 4 गुना वसूली। आप जो है छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ इस तरह से भेदभाव करके और मुगालता पैदा करके आप कोई लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के किसान इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों के पक्ष में काम करने वाली सरकार है। खाद के आंकड़े मैं कल आपको दूंगा, आपके आंकड़े गलत हैं गुप्ता जी, कल या परसों मैं इसमें पीसी लूंगा और पूरा ब्यौरा मैं छत्तीसगढ़ के किसानों के सामने रखूंगा, तब पता चले। बोलेंगे आप तो प्रधानमंत्री को भी गलत कह रहे हैं। नहीं गलत तो है, अरे गलत तो है, अरे भाई जो अरे जो गलत करेगा उसको गलत बोलेंगे, चाहे है उसको निश्चित तौर पर और बेहतर बनाया जाए, क्योंकि 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया, तो निश्चित तौर पर इसमें जो लूपहोल थे पिछली बार उस लूपहोल को दूर करना जरूरी है। धान खरीदी केंद्रों में जो व्यवस्थाएं थी उसको दूर करना जरूरी है, खाद की जो किल्लत लगातार हो रही है उसको दूर करना जरूरी है। सबसे बड़ी बात है धान का उठाव समय पर हो, बारदाने की व्यवस्था समय पर हो, इस बात को सुनिश्चित जो है वो राज्य सरकार को करने की आवश्यकता यहां पर महसूस की जा रही। तो आज के मुद्दे में आप सभी लोग हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।